एक ऐसा रिश्ता कि दूसरे के बग़ैर रहा ना जाए एक ऐसा काम है कि जिसमें एतबार बहुत ज़रूरी है लड़की वालों की डिमांड में एक डिमांड ये होती है कि फैमिली छोटी हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखाने के बाद ये जवाब आता है ना कि नहीं और दिखाएं। तो फिर मेरा एक जवाब होता है कि अब आपने काम करना है अपने बेटे को भेजना है सीधा जन्नत मेरे <laughs> बेटे को ना गोल फेस वाली लड़कियाँ है तो मैंने कहा आंटी फिर तो आप पार कर लेके कि गोल है क्या नहीं थोड़ा माइंड सेट चेंज हुआ होगा पेरेंट्स का होता है इनके थ्रू काम मत कीजिए पिक्चर्स सेफ नहीं है शादी एक ऐसा मजबूत रिश्ता वेयर टू तो इम परफेक्ट पीपल रिफ्यूज टू गिव अप ऑन वन एन अदर इम्परफेक्शन्स के बावजूद भी एक परफेक्ट रिश्ता वेयर यू एक्सेप्ट द अदर पर्सन फॉर ऑल देयर गुड क्वालिटीज़ एंड मे बी नॉट सो गुड क्वालिटीज़ एक ऐसा रिश्ता कि दूसरे के बगैर रहा ना जाए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्ट्रेस रिलीवर्स नहीं नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टैबलेट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन स्ट्रेस रिलीवर्स जो माँ बाप का बहुत बड़ा स्ट्रेस और बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है उनके बच्चों की शादी वो उनके साथ ना सिर्फ शेयर करती हैं बल्कि उन्हें वो सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जो तो शायद उनके रिश्तेदार भी उन्हें ना सपोर्ट प्रोवाइड करते हों वेलकम टू अर शो एंड आयशा और आप लोग बताएं कि आपने ये कैसे स्टार्ट किया अपने यू you नो know, इस इदारे के बारे में बताइए मैच मेकिंग का जो आप ये um, करती हैं एक बहुत ही बड़ा काम जो मैं समझती सपोर्टिंग ऑल द पेरेंट्स अराउंड शादी का जहाँ तक ये काम मैंने शुरू किया है बहुत छोटी एज थी लगता है कि बचपन का था मेरा सपना जो पूरा हुआ मैंने नाइन्थ क्लास में थी तब मैंने एक अपनी दोस्त की भाई का रिश्ता दोस्त की बहन से करवाया था और ये अनप्रोफेशनल प्रोफेशनल था जाहिर सी बात है बस वो एक शौक था यानी कि बचपन से ही अल्लाह मैंने वो नज़र वो आँख दे दी थी कि लड़कियाँ और लड़के बस नोट कराना हैं ज़बरदस्त आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये चीज़ अंदर ग्रो होती गई कॉलेज लाइफ में आई कॉलेज लाइफ में भी देखती थी यार तुम्हारे भाई के लिए बड़ी अच्छी लड़की देखी है और इस तरह करके बात बात करती थी दोस्तों से वक्त के साथ साथ बढ़ते बढ़ते ये काम ऐसा हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक प्रोफेशनल सफ़र की तरफ गामजन है बारह साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक हमने ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई है एम एम सी मैच मेकर्स कंसल्टेंसी एंड कम्युनिटी ये हमारी तमाम मैच मेकर्स हैं उनके लिए हमने एक इदारा सा बनाया है और इसमें हम उन तमाम मैच मेकर्स को हमने इकट्ठा किया है जो घर बैठ के खातिन काम करती हैं और बाहर नहीं निकल सकती ऑनलाइन काम नहीं कर सकती हैं support. तो हमने उनको ही अपने provide. साथ रखा है और उनके साथ ही हम ये वर्किंग कर रहे हैं इस इधारे को लेके चल रहे हैं इसमें आयशा आप क्या कैसे करती हैं कंट्रीब्यूट आपका क्या रोल है फरियाल के साथ चार फाउंडर्स हैं है फरियाल आयशा नवीद आजरबाई बाई जा, से होती हैं हमारे साथ सभी नस्वर और समिया जुबैर तो हम चार जो हैं मैच मेकर कंसल्टेंसी को लेकर चल रहे हैं और इसमें हमारे आ, डिफरेंट प्रपोजल्स होते हैं जो कि हमारी आ, अंडर में जो एडमिनस हैं वो इसको टेक केयर कर रही होती हैं डिफरेंट प्रपोजल्स होते हैं ओवर एज डिवोर्स और अच्छा मैं यही पूछना थी कि आप फोर हैं तो अगर आपके पास कोई आना चाहे तो आपको किस तरह अप्रोच करता है वर्ड ऑफ माउथ होता है पीआर के थ्रू होता है कोई ऐप है कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपको किस तरह लोग अप्रोच करते हैं एक है? ऐसा काम है कि जिसमें मैं यही कहूँगी ट्रस्ट एतबार बहुत जरूरी है हमारे ज्यादातर रिश्ते जो होते हैं वो हमारे पी के थ्रू आते हैं और हम उन्हीं को लेना ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारे पास रेफरेंस बेस पे आ रहे होते हैं वजह ये होती है कि अथेंटिक होते हैं हमें पता होता है कि जी अच्छा ये इनके जरिए से आया है इसने नंबर दिया था किसी की बहन ने किसी की खाला ने बात ये आती है कि अगर अन रिश्ते होते हैं या जो पीआर के थ्रू नहीं आ रहे होते वो जरा रिलायबल नहीं हो रिलायबिलिटी का इशू होता है फिर भी हम कोशिश करते हैं उसमें भी मैं ज़्यादातर जो आपको बताऊँ कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम फीमेल रिश्ते लें हम लोग मेल रिश्ते नहीं लेते बहुत जो जो हमारे जो लड़कियां चाहिए फिर वो कहा जाए वो अपनी जरूर बात करवाइए ताकि हम भी सेटिस्फाई हों अच्छा और दूसरा मुझे ये बताएं कि जैसे कोई ऑथेंटिसिटी है किसी रिश्ते की तो वो आप लोग किस तरह चेक करते हैं एक तो आपने जैसे ये बात कह दी कि पीआर के थ्रू अब जैसे एक आ गया रिश्ता तो उसकी फिर ऑथेंटिसिटी की आप लोग कोई गारंटी लेते हैं जब आप किसी को रेफ़र करते हैं रिश्ता या जैसे हमारे पास कोई रिश्ता आता है तो हम उनसे अपना आईडी कार्ड मंगाते हैं आईडी कार्ड की कॉपी मंगा ली उनसे उनका एड्रेस मंगवा लिया उनको अपने घर बुला के या तो मीटिंग कर ली या उनके घर जा मीटिंग करी ताकि ये कि हम उनके घर भी देख सकें किस तरह के लोग हैं किस तरह का माहौल है कभी अगर थोड़ा सा भी अगर डाउट होता है अगर कुछ डाउट्स आ जाते हैं तो फिर हम उस रिश्ते को नहीं लेते नहीं लेते प्रॉपर हमारा जो है वो पूरा एक फॉर्म है रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसमें हमें जो नीड होती है अपने क्लाइंट से रिलेट जो जो चीज़ चाहिए होती है वो हम उनसे लेते हैं अच्छा जैसे अब आप लोगों के अंडर इतना बड़ा स्टाफ है तो उसको कैसे मैनेज करते हैं और जो मैच मेकर आपके अंडर हैं उनकी ऑथेंटिसिटी की आप कैसे गारंटी लेते हमारी पहली कोशिश यही होती है कि हम सिर्फ उन्हीं मैच मेकरस के साथ काम करें जिन्हें हम जानते हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं और जो हमारी पुराना हमारा जिनका साथ होता है पहली बात तो ये है और अगर अगर कोई नई मैच मेकर है तो उसकी वेरिफिकेशन फिर हम आपस में एक दूसरे से करते हैं प्रॉपर डिटेल्स भी लेते हैं हम उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते सारी हैं सारी ट्रेनिंग में बताते हैं फिर उससे हमें अंदाजा हो जाता है कि ये मैच मेकर ठीक है और अगर कोई मैच मेकर आ गई टकरा गई ऐसी हमें कि बस <laughs> हमें भी नहीं नहीं है कुछ इश्यूज हमारे भी होते हैं तो, ही तो ही है। हम उनको हर स्टाफ मेंबर वैसा नहीं होता ना जैसे आप चाहती फिर उन्हें लेकर हैं हमारा... हमारा है कंप्लेन सेल मैच मेकर्स का कराची कम्पलेंट सेल उसमें फिर हम उस मैच मेकर को लाते हैं जहाँ हमारे जो और भी हमारे ग्रुप्स हैं दूसरे ग्रुप्स हैं उनकी तमाम जो जितने भी कराची के, के बड़े ग्रुप्स हैं हाँ। उनके सारे क्रिएटिव फाउंडर्स बैठे हुए हैं फिर वहाँ उस केस को लाया जाता है उस केस को डिस्कस किया जाता है और अगर वो मैच मेकर आ, मतलब उन पर एलिगेशन जो लगाई गई हैं वो साबित हो जाती हैं हाँ। तो फिर उनको हम ब्लॉक करा देते हैं अब आपका मैं रोना सुनती हूँ <laughs> आप लोग एज ए मैच मेकर क्या चैलेंजेस हैं कि मतलब लड़के वालों की क्या डिमांड्स हैं और लड़की वालों की दोनों जरा एक तफसी ना पूछें बहुत ज्यादा जो पूछेंट मेरा ऐसा ये तो बड़ा खतरनाक सवाल है ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बड़ा एक वाकई में टफ हमारे लिए टाइम होता है एक बड़ा चैलेंजिंग अब ज्यादा हमें चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं लड़के वालों को चाहिए बहुत खूबसूरत लड़की इट्स ओके okay. हर लड़की प्यारी है लेकिन उनकी डिमांड ये है कि जी उनको बहुत खूबसूरत चाहिए जब बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी दिखाने के बाद ये जवाब आता है ना कि नहीं और दिखाएं तो फिर मेरा एक जवाब होता है कि अब <laughs> आपने काम करना है अपने बेटे को भेजना है सीधा जन्नत उसे तो कहें ऐसे अमाल करे वो जन्नत जाए वहाँ से उड़ पर ही ले आए जन्नत की या हमारे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें हम आपकी रिक्वायरमेंट डालें और तो एक लड़की और तो वो खास है वो क्राइटेरिया ना दूध की धुली साफ प्यारी धुबली पतली वही 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 नाक नक्शा नाक चपटी ना खड़ी नाक नक्शा सतवा नाक और बनकर आ जाए उस ये, कहते में ये हो गई हाँ ये तो हो गई लड़की वालों का अब लड़के वालों का सुने लड़की वालों का सॉरी उनकी डिमांड ये होती है कि जी जरा से खूबसूरत लड़की निकल आए अच्छी प्यारी शक्ल की तो लड़की जी जाएगी वेल एजुकेटेड हो वेल वेलब्लिड हो भले खुद कुछ भी ना। इंटर लड़का पढ़ाई नहीं कर रही लड़की हाँ, खूबसूरती चाहिए ना कैरेक्टर देख रहे हैं ना पढ़ाई ना तरबियत ना खानदान जो एक्चुअली में देखने की चीजें हैं अभी तक हम हाँ। उसी फेज में वो नाक खड़ी हो और बड़ी हों और बाल लंबे हों रंग बिल्कुल दूध की तरह हो दुबली पतली लंबी हो

बिल्कुल सही चीज चीज जब एक आपको दी जा रही है है आप भी भी नहीं कर रहे विज़िट करने की बात से मुझे याद आया कि ये भी बड़ी मशहूर लड़के वालों के हवाले से कि लड़के वाले जो हैं वो जा जा के चाय पानी समोसे तो खा के आ जाते हैं लेकिन लड़की कोई समझ नहीं आ रही तो ये बात सच है क्या बेचारे लड़के वा, लड़की वाले जो हैं वो ट्रे मिनट सजा के जो है ना वो थक बड़े चलाक हो गए पूछे क्यों आप सिर्फ शरबत पे फारिक करते चाय पे पे करते अब दूस्री नहीं दूस्री लगाते आते आते हैं हैं मेरे वो, से. वो सेकंड विजिट पे आते हैं, हां। होता ये है कि अभी फर्स्ट विजिट है अच्छा अभी हाँ। लड़के वालों को भी समझ आ गई ये चीज मतलब उनको भी पहले शुरू में एक हुआ था कि इस चीज पे भी लोग माइंड कट जाते थे कि हम गए और हमारे सामने कोई इतनी ज्यादा उन्होंने मेहमानदारी नहीं की अरे भाई आप फर्स्ट टाइम गये फिर हमने ही ये चीजों को अच्छा इसकी अवेयरनेस भी हम ही लोगों ने दी हमने ही लड़की वालों को कहा कि नहीं फर्स्ट टाइम आपने टेबल सर्विंग नहीं करनी आपने फर्स्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ कोल्ड रखनी है या चाय पानी तो एक, एक विजिट तो नहीं है तो बिचारी खिलाने में खत्म हो जाए अच्छा फर्स्ट विजिट पे हम लोगों ने ये करवाया उसके बाद अगर लड़की पसंद आ गई जी हाँ हमें समझ आ गई है अब आप लड़की लड़की वालों से पूछ लड़की वालों से ने कहा ठीक है हमें समझ आ गया अब लड़की वाले second कह रहे हैं कि हमें एक विजिट और करना है मैं तो अभी अपने खुद आई थी अब मैं बेटे को भी लेकर आऊंगी या मैं किसी एक को भी अपने फैमिली मेंबर को लाना चाह रही हूँ इट्स ओके कोई मसला नहीं आप लेकेंड विजिट पे फिर हम अरेंज करवाते हैं ट्रॉली हम कहते हैं कि चलो भाई अब आ जाओ ट्रॉली आ, की तरफ अब इसमें बिस्किट और हाँ, समोसे आएंगे लड़के अब अब हो गया ये डन हो गया अब हाँ, लड़की वालों को बता दिया कि जी अब द बॉल इज इन योर कोर्ट अब आपने आकर बात करनी है अब लड़के वालों ने तो ओके okay कर दिया आपकी बच्ची को दोनों विजिट्स पे अब आपने देखना है अब लड़की वाले जब लड़के वालों के यहाँ जाते हैं तो वहां पर थोड़ी सी अच्छी उनकी खातिर मदारात होती हैं क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी तरफ से तो ओके हो चुका होता है बस ये सिलसिला होता है अगर लड़के लड़की वालों को लड़के का घर बार लड़का समझ आ गया ईच एंड एवरी थिंग उनको सेटिस्फाई हो गई है फिर वो कहते हैं कि ठीक है जी हमारी तरफ से भी ओके okay है हमने आगे प्रोसीड करना है इस रिश्ते को और हमने इसको आगे लेके चलना है फिर वो जो मालूम का एक इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला है ये सब है अच्छा इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले पर बात आए तो आप पेरेंट्स को जैसे आप कह रहे हैं कि आप लोग ऑब्वियसली गारंटी तो किसी इंसान की नहीं ले सकते आप लोग अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं लेकिन पेरेंट्स को आप लोग क्या गाइडलाइंस देंगे करने के लिए लड़की वाले तो या लड़की? मतलब क्लाइंट्स को अपने सबसे पहले कहते हैं भाई आप सेटिस्फाई हो जाइए क्योंकि देखें हम लोग मिलवाते जरूर हैं लेकिन हम किसी की भी प्रॉपर गारंटी नहीं लेते कि हम ये ये ऐसा है क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि उसकी तारीफें बहुत ज्यादा बयान नहीं करते क्योंकि जब तक आप मिल आप रहे हैं हम नहीं मिल रहे आप मिलते हैं आप एक से दो दो से चार सेटिंग्स कर रहे हैं तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं तो हम कहते हैं जब तक आप सेटिसफाई नहीं हो जाते प्रॉपर मालूम नहीं करवा लेते ऑफिस से एरिए से जब तक आप सेटिस्फाई ना हो ओके okay ना करें ये हम जरूर अपने क्लाइंट को आप लोग थोड़ा बहुत कोई फैसिलिटेट करते हैं अगर वो आपसे कोई इन्फॉर्मेशन निकलवाने या अगर कोई जान पे जो आप लोग वो वो उसकी नहीं वो करते क्योंकि जो, जो है हमारे पास थोड़ी बहुत वो हम जरूर हम नहीं दे हमारे पास होती है हम वो देते हैं देखिए मैं आपको उसका एक रीजन ये बताऊँगी कोई भी अपनी कीमती चीज़ कोई भी अपना सोना अपना पैसा किसी के हाथ में ऐसा नहीं दे सकता तो बेटी तो सबसे कीमती चीज़ है आप ऐसे कैसे दे सकते पिक्चर का मुझे बताएं जो मैं आपसे थी ना कि पिक्चर में फिर क्या होता है फिल्टर वगैरह लड़ियाँ लगा लेती हैं बिल्कुल ही शक्ल चीज एक बहुत बड़ा लेकिन हमारी तरफ से एक ये चीज है जो हमारी कंसल्टेंसी है जो हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि प्लीज पिक्चर के मामले में बहुत ख्याल कीजिए फिल्टर पिक्चर ना दीजिए इसलिए कोई फायदा नहीं है आप फिल्टर पिक्चर देंगे क्लाइंट फिल्टर पिक्चर देते हैं बच्ची को जब जाकर देखते हैं तो रिजेक्ट डिफरेंट होती है तो कहते हैं ओरिजिनल पिक्चर दीजिए बिल्कुल उसमें फ़िल्टर ना हो हाँ। क्योंकि देखिए इसमें टाइम उनका भी जाए हमारा भी जाए और फिर उसके बाद क्लाइंट फिर अलग गुस्सा करते हैं कि भाई ये इस तरह से कि तो वो तो मोटी हम... पतली वो तो सब दुबला पतला हर कोई क्रॉप करके जी जी जीज़ बिल्कुल और अगर ये इश्यूज़ आ भी रहे होते हैं कि पिक्चर में भी बच्ची अच्छी दिख रही है बार बार क्लाइंट जा रहा है और वापस आ जाता है मना हो जाता है तो फिर हम लोग खुद फिर ये बात करते हैं क्लाइंट से कि फिर या तो आप विजिट करें या हम विजिट करेंगे लाजमी बच्ची के साथ और लड़की वालों की डिमांड में एक डिमांड ये होती है कि फैमिली छोटी हो हाँ मैं उनसे ही कहती हूँ कि देखें ये चीज़ तो आप ना कहें ठीक है हम देख लेते हैं लेकिन बच्ची को अगर हम ये चीज रिक्वायरमेंट में लिख देते हैं और उसको लेके पर प्रोफाइल पे वर्किंग करते हैं तो इससे सामने वाले पे पर अच्छा नहीं पड़ता क्योंकि वो देखते हैं कि भाई बच्ची निभाने वाली नहीं है इसका मतलब इनकी रिक्वायरमेंट हाँ। में ये चीज है वो एक अच्छा अच्छा फैमिली छोटी अच्छा, आयशा मुझे एक बताएं चीज़ जो बहुत देखने में आती है वो ये है कि लाइक आपने एक रिश्ता कराया बहुत अच्छा हुआ इवेंट हो गया शादी हो गई सब सेटल हो गई मामला अब बाद में पता चला कि भाई लड़के वालों ने लड़की वालों से कुछ छुपाई बातें वो बाद में लड़की वालों को पता चली या वाइस वर्षा के लड़की वालों से कुछ बातें छुपाई गई और वो बाद में पता लगी तो उस सिलसिले में फिर आप लोगों का क्या रोल होता है फिर वो आपको आके पकड़ते होंगे बोलते होंगे तो फिर आप इस तरह की सिचुएशन से कैसे डील करते हैं थोड़ी बहुत जो भी हमारे पास मालूम होती है वो हम क्लाइंट को दे देते हैं और उनको ये ज़रूर हम लोग कहते हैं कि आप लोग अपना प्रोसेस ज़रूर करिएगा जब तक आप लोग सेटिसफाई नहीं हो जाते अपनी मालूम का मतलब जब आपका रिश्ता डन होता है तो आप उनके एरिए से भी मालूम करवाएँ ऑफ़िस से भी करवाएँ आप जब सेटिसफाई हो जाइए फिर उसके बाद डन करें। अच्छा तो इसमें फिर ठीक है ये एक आपने एक बात कह दी लेकिन एक थोड़ी एडवाइस पेरेंट्स को आप क्या देंगी कि लाइक लड़कों की छानबीन के लिए आ, लड़की वालों को क्या चीज़ें नोट करनी चाहिए क्या पिन मतलब पॉइंटर्स दिमाग में रखने चाहिए लड़के वाले जो होते हैं उनको हम हमेशा ही बात कहते हैं कि आप विज़िट करिए क्योंकि देखें हम तो नहीं कर रहे लेकिन वो लोग एक से दो दो से तीन चार मीटिंग्स होती हैं उनकी तो लड़की को तो आप देखें जब भी आप रख रखा हो आपको आइडिया होता है कि जब आप जा रहे हैं फैमिली में बैठ रहे हैं तो आपको आइडिया हो जाता है पेरेंट्स के बैठते हैं बात करते हैं आपको आइडिया होता है कि बच्ची किस ने खास तौर पर जाती थी बाथरूम का बहाना करके बाथरूम कि झाँकती हुई कमरे में भी झाक के में भी देना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए ऑफिस में गए मालूम की ठीक है मोहल्ले पड़ोस से मालूम इकट्ठी कर ली लड़के से बाजाबा दो तीन मीटिंग्स जरूर करें आइडिया हो जाता है थोड़ा सा ना की भाई किस नेचर का है कोई ऐसा क्वेश्चन कर लें कि जिससे उसकी ये पता चले कि इसकी हाइपरनेस लेवल क्या है कितना हाइपर हाँ, हाँ, है बिल्कुल ये वाले इश्यूज आते हैं शादी के एंगर मैनेजमेंट कि नेचर ऐसी है तो इससे बेहतर ये कि आप पहले ही अच्छे से मीटिंग कर लें लड़के ही के साथ पहले गुस्सा दिला दें कि इस बातों में पता लग जाए कि कितना गुस्सा कर रहे अच्छा एक मेन इशू और आता है कि सैलरी छुपाई जाती है अच्छा हाँ

कभी ना, कभी तो खुलती है ना बात है। तो मेरे हिसाब से ये चीज भी ना मतलब लड़के लड़के वालों 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 को आई थिंक लड़की वालों या लड़के वालों की तरफ से कुछ ऐसी बात हुई होगी ना जैसे लोग करते होंगे ना कि है तो फिर मुंह मांगे जो है वो फरमाइशी प्रोग्राम होता होगा ब्राइडल जोड़ा जब बन रहा होता होगा तो उस वक्त होता होगा लड़के की आपकी जो भी आइडिया हो जाता है किस जगह पे जॉब है आइडिया हो जाता है लेकिन ये कि मीटिंग में जो है वो ठीक है आप उसमें प्रोफाइल में नहीं लिख रहे लेकिन पेरेंट्स को चाहिए लड़की वालों को कि वो मीटिंग में जरूर लड़के से पूछें पूछें ऐसे दूसरा एक मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा है फरियाल कि आप लोगों के लाइक अभी आपने कहा इंटरनेशनल रिश्ते भी हैं डोमेस्टिक भी हैं तो उसके क्या चार्जेस में फर्क होता है कि उनके आप का अलग कोई पैकेज होता हाँ, है उसका ये पैकेज। और है पैकेज जो आप लोग चार्ज करते हैं वो किस लिहाज से करते हैं एरिया है रिश्तों के हिसाब से होता है, है।, है नॉन रिफंडेबल होती है और लोकल फीस अलग होती है पहले आप रजिस्ट्रेशन फीस होती है फिर जब रिश्ता हो जाता है तो फिर हम फीस देते हैं अच्छा फिर उसके बाद हमारी आ जाता है मिडल ईस्ट मिडल ईस्ट साइड में आकर ये सारे इलाके कतर है कोयत है दुबई सऊदीया इनके चार्जेस अलग हैं अच्छा। इनकी रजिस्ट्रेशन और अब्रॉड की रजिस्ट्रेशन सेम है सेम। अच्छा उसके बाद तीसरे लेवल पर आ जाता है अब्रॉड यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका

लोकल एरियाज के होते हैं और उनके फैमिली में नहीं है इतने करने वाले तो हम लोग उसको देखते हैं हाँ, बस ये ये कमी करते हैं exactly. अच्छा। ये हम तो ऐसा नहीं है कि जो हम डिफेंस में एक अच्छी पोस्ट पे उनके हाँ, फादर हैं उनसे जो फीस चार्ज कर रहे हैं वही हम हाँ, उससे करें जिसके कोई करने वाला नहीं है ऐसा नहीं है उनसे फिर हम लोग कम चार्जेस लेते हैं ऐसा कोई आप लोगों का सिस्टम है कि आप लोगों ने एप्स जनरेट किए होंगे लोग आपको एप्स के थ्रू

पिक्चर्स सेफ नहीं हैं डेटा सेफ़ नहीं है आप लोग इन चीज़ों का थोड़ा सा जितने भी हैं हमारे सुनने वाले मैं यही बात कहूँगी अवेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ ऐप्स के थ्रू काम मत कीजिए हाँ क्योंकि फिजिकल में होता है ना कि आप जा रहे हैं मिल रहे हैं देख रहे हैं लोगों का पता है आपस में एक ही सर्कल में फॉरवर्ड हो रही हैं मैच मेकर लेकिन कि वेब में चली गई तो वो दैट इज़ एक uh, छोटा सा पॉइंट और मैं दूंगी कि जैसे हम ये कहते हैं कि हमारे पास अलहमद रेफरेंस के थ्रू रिश्ते आते हैं तो इसी तरह जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो भी रेफरेंस के थ्रू ही मैच के पास जाएं अगर आपको कोई रेफरेंस दे रहा है कि जी आप इन मैच मेकर के पास जाओ हाँ, कोई भी हाँ, तो आप उनके पास उसके रेफरेंस से वजह यह है कि वो अथेंटिक है भाई एक आए थे मेरे पास क्लाइंट तो उनके बेटे की रिक्वायरमेंट ये थी कि लड़की का फेस बिल्कुल गोल होना चाहिए <laughs> तो गोल कैसे हो भाई <laughs> तो अच्छा। ये मैंने कहा गोल किस तरह का तो कहीं उन्होंने <laughs> तो मैंने कहा आंटी फिर तो आप पार कर लेके जाइए और फिर उससे ना पूरा फेस को देखेंगे कि, कि गोल है क्या नहीं मैं नहीं तो फिर इस तरह की गोल फेस वाली लड़कियां नहीं ढूंढ <laughs> सकती हाँ मैं देखूंगी कोशिश करूंगी लेकिन कैसे मैं तैयार करूँ गोल फेस अच्छा और कोई कोई जबरदस्त शादी जो करा के बड़ी खुशी हुई हो कोई बहुत दौड़ लगी हो और फिर जब हुई हो तो भाई बड़ा मज़ा आया कि भाई तो, ऐसी, तो बहुत सारी हैं अच्छा। क्योंकि वजह ये है कि पता है क्या कोई भी रिश्ता होता है ना मैं सबसे ज्यादा खुश इस चीज से होती हूँ कि अल्लाह ताला ने एक अच्छा अमल मेरे जरिए हाँ, कराया और अल्लाह ताला आगे भी इन लोगों को खुश आबाद रखे माशा से ऐसे बहुत सारे केसेस हैं वो तो शादी करा के मुझे मुझे हर रिश्ता करा के बहुत खुशी होती है थैंक यू सो मच एंड आयशा फॉर बीइंग विद अस हेयर टुडे आपने हमें बहुत इंसाइट प्रोवाइड किए हैं शादी के हवाले से और ये कितना एक टेक्निकल और स्ट्रेसफुल और काफ़ी टीडियस जॉब है जो आप लोग कर रहे हैं एंड हम इसको बड़ा एक समझते हैं कि ये ऐसी घर में बैठी wow. खवतानी कर रही हैं लेकिन ये एक proper घर में बैठी भी तो कर रही हैं लेकिन हमें घर को भी देखना होता है फैमिली को भी और हम इस चीज़ को भी कर रहे हैं और ये जो ख़वान बाहर नहीं निकल पाती ना ये उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ये करें

माशाल्लाह हाँ। ग्रेजुएट है वो हो चुकी है अब छोटी वाली तो छोटी है उसको भी देखना है हाँ। घर को हस्बैंड को भी देखना है लेकिन उन 20 आवर्स में मुझे काम भी करना है कांस्टेंटली कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन फोन पे उस पे रेगुलरली बहुत बड़ा मेंटल वो है बहुत ज्यादा हर वक्त फोन <laughs> कान पे लगा रहता है शुरू-शुरू में तो ये होता था कि तुम फ़ोन कभी साइड में रखोगे बात सुनना कुछ करनी है तुमसे हाँ हाँ ये आते ये तो बहुत आते है। एक हैं हम को। और हमारे है, थोड़ा सा तो हम वो जरूर रखते हैं गेट टूगेदर ताकि उसमें हमारे जो इशूज हमें आ रहे होते हैं ना वो हम जो है ना आपस में डिस्कस करते हैं कहते हैं जोड़े आसमानों पर बनते हैं बट इनको निभाना हम दुनिया में अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं और निभाते हैं When two people genuinely are in love, they do find a way. वो कहते हैं ना निभाने की चाहत अगर दोनों तरफ से हो तो कोई रिश्ता नाकाम नहीं होता अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टेक केयर अल्लाह हाफ़िज।